दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लाई हूँ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन भी इसमें आता है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया आपका, जो आजकल करंट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स रिलाई ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन मैथड्स ड्यू टू सी। रिलाई मीन्स क्या होता है? डिपेंडेंसी। ओके, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, दिस इज़ माई मार्कर। रिलाई मीन्स क्या होता है? डिपेंडेंसी। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, लो पावर रिक्वायरमेंट्स में, सस्टेनेबिलिटी पे, और ऑल ऑफ दी मेंशन। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी मेंशन। मेजर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन ओवर एनालॉग मॉड्यूलेशन इज दैट कि दे हैव सुपीरियर परफॉर्मेंस, इनकी सुपीरियर परफॉर्मेंस भी होती है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एंड यू कैन से सिग्नल फेडिंग, आप कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एंड सिग्नल फेडिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन हैव मेजर एडवांटेजेस ओवर एनालॉग मॉड्यूलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एंड सिग्नल फेडिंग एंड द पावर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। मतलब कि लो पावर रिक्वायरमेंट भी इसमें वेरी लो होती है, ठीक है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पीई डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ बिट एनर्जी टू नॉइज पावर डेंसिटी। ओके, नॉइज स्पेक्ट्रल, इसको हम एन नॉट को नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। सी, इफ द नॉइज पावर इज हायर देन द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर बिट ई बी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी हाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी हाई। अगर नॉइज पावर का कंटेंट बिट एनर्जी से ज़्यादा है तो एरर प्रोबेबिलिटी विल बी हाई। इफ सपोजिंग आपने सिग्नल जीरो ट्रांसमिट किया एंड यू आर गेटिंग वन इन रिटर्न। ओके, जैसे आपने जीरो ट्रांसमिट किया और व्हाट इज हैपनिंग कि आपको वन मिल रहा है रिसीवर पे, तो ये भी तो एक नॉइज ही है। जीरो इज ट्रांसमिटेड एंड वन इज रिसीव्ड। और यू कैन से इफ अ सिग्नल जीरो इज ट्रांसमिटेड एंड इफ द नॉइज लेवल इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड लेवल से, दैट मीन्स बियॉन्ड दैट क्रिटिकल वैल्यू, ये नॉइज पावर भी ज़्यादा है, टू डिटेक्ट द सिग्नल वन, टू डिटेक्ट सिग्नल वन, तो बिट जीरो को ही इट इज इंटरप्रेटेड एज, इट इज इंटरप्रेटेड एज वन। दैट मीन्स यू कैन से इफ द रेशियो ऑफ बिट एनर्जी टू नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कॉन्स्टेंट में क्या अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, डज इट डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ ई बी बाय एन नॉट, देन इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज इफ द नॉइज पावर इज ग्रेटर देन बिट एनर्जी देन एरर प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड इफ द नॉइज पावर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ जीरो सिग्नल ट्रांसमिशन, देन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द सिग्नल वन, बिट जीरो विल बी इंटरप्रेटेड एज वेल, क्योंकि नॉइज का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू कि वो जीरो को एज वन ही मान लेता है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इज ग्रेटर फॉर ए एस के एज कम्पेयर टू एफ एस के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इज ग्रेटर फॉर ए एस के एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर फॉर एफ एस के। ए एस के इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग एंड एफ एस के इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। सी, एफ एस के मैथड ऑफ मॉड्यूलेशन जो होता है आपका एफ एस के, ये मोर एफिशियंट होता है, इट इज मोर एफिशियंट, ओके, देन द एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, देन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ये आपका ए एस के है, ए एस के में जो एरर प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? हाफ ई आर एफ सी अंडर रूट ई बी बाय फोर एन नॉट, ये आपने पढ़ा होगा। और जो ये आपका एफ एस के है, इसमें कितनी होती है एरर प्रोबेबिलिटी एफ एस के केस में? इट इज़ हाफ ई आर एफ सी अंडर रूट 0.6 ई बी बाय एन नॉट। तो यानी कि वेयर द कैरियर इज वेरीड, इसमें आपका जो ए एस के कंपेरिजन में क्या होता है कि कैरियर इज वेरीड विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, यही होता है ना। तो एफ एस के का लोअर बिट एरर रेट होता है एज कम्पेयर टू ए एस के। एफ एस के हैज़ लोअर बिट एरर रेट देन कम्पेयर टू ए एस के। सो द आंसर विल बी प्रोबिलिटी ऑफ बिट एरर इज ग्रेटर फॉर एस के, इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोबिलिटी ऑफ बिट एरर, अच्छा ये बार बार हो गया क्या? वन मिनट, ए एस के एंड एफ एस के,
ओके, ये वाला है फोर्थ क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर रेट इज ग्रेटर फॉर क्यूपीएस के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर रेट इज ग्रेटर फॉर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं बोल रहा है, ये बिट एरर रेट बोल रहा है. तो बिट एरर रेट इसका जो क्यूपीएस के से, इज इट ग्रेटर एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर रेट फॉर एफएसके. एफएसके के कंपैरिजन में हमने क्या पढ़ा था कि यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर इज ग्रेटर फॉर एएसके एज कम्पेयर टू एफएसके. मतलब कहने का मतलब वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. ठीक है, तो यस, क्यूपीएसके में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा क्यूपीएसके क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग होता है, इसमें टू बिट्स आर ट्रांसमिटेड इन अ सिंगल टाइम इंटरवल, इजंट इट. तो यहाँ पे देखिए, इन क्यूपीएसके टू डेटा बिट्स, इन क्यूपीएसके टू डेटा बिट्स आर यूज टू सेलेक्ट, आर यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द फोर, वन ऑफ फोर पॉसिबल, वन ऑफ फोर पॉसिबल फेज स्टेट्स, फेज स्टेट्स ऑफ रिसीव्ड डेटा सीक्वेंस, ऑफ रिसीव्ड डेटा सीक्वेंस. ओके, दैट मीन्स टू डेटा बिट्स इज गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द फोर पॉसिबल फेज स्टेट्स ऑफ द रिसीव्ड डेटा सीक्वेंस. आपने पढ़ा है ना, इसके फोर पॉसिबल फेज स्टेट्स होते हैं, 45, 90, 135 एंड देन कितना होता है, 180, 135, 45 डिग्री का टाइम इंटरवल होता है ना, इसको आप इससे ज़रा करिए तो कितना होगा ये, 180. तो यानी कि दिस हैज़ अ लो एरर प्रोबेबिलिटी एज कम, तो ये गलत है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर, इट हैज़ अ लो एरर प्रोबेबिलिटी. क्यूपीएसके का लो एरर प्रोबेबिलिटी है, इसका ग्रेटर नहीं होता, क्योंकि क्यूपीएसके में हम टू डेटा बिट्स ट्रांसमिट करते हैं इकट्ठे विद इन अ गिवन गिवन टाइम पीरियड और विद इन अ गिवन बैंडविड्थ. तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर तो कम होगा ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दैट मीन्स जीपीएस, यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूजेस 12 सैटेलाइट्स, 24 सैटेलाइट्स, 36 और 48 सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन. सो यस, जीपीएस, ये आपका जीपीएस है, इट इज, इट यूजेस 24 सैटेलाइट्स इन मीओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन टू यूजर्स हु आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, एयर एंड सी. तो जीपीएस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है, यू कैन इजिली ट्रैक द इन्फॉर्मेशन एट अ रिमोट एरिया, है ना. नेक्स्ट है, जीपीएस ऑपरेट्स एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड, ट्रू है और फॉल्स है, इट इज़ फॉल्स. एक्चुअली जीपीएस ऑपरेट्स एट टू फ्रीक्वेंसी बैंड, ये गलत है, इट ऑपरेट्स एट टू फ्रीक्वेंसी बैंड्स. एक हो है आपका एलवन बैंड है, जो कि होता है 1575.42 MHz पे एक ऑपरेट करता है, और दूसरा L2 जो कि 1227.60 MHz पे ऑपरेट करता है. ट्रांसमिटिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स, क्या करता है ये, ट्रांसमिटिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स, ट्रांसमिटिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल्स विद विद व्हाट, विद बीपीएसके. इसमें हम बीपीएसके यूज़ करते हैं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन, बीपीएसके मॉड्यूलेशन. अंडरस्टूड? तो ये इट जीपीएस ऑपरेट्स एट टू फ्रीक्वेंसी बैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरलेस लैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. डब्ल्यू लैन मतलब क्या होता है, वायरलेस लैन इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग कनेक्शन बिटवीन अ होस्ट कंप्यूटर एंड अ सेटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन. ये एक होस्ट कंप्यूटर और यहाँ पे आपका मान लीजिए सेटेलाइट है, तो क्या डज इट प्रोवाइड एनी कम्युनिकेशन? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वायरलेस लैंस जो होते हैं, दे आर यूज टू प्रोवाइड कनेक्शंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड पेरीफेरल्स, जो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, पेरीफेरल्स जो होते हैं उन, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ओवर अ बहुत ही कम दूरी के लिए यूज होता है. ठीक है, दीज टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज होता है, एयरपोर्ट में, कॉलेज कैंपसेस में, यहाँ पे यूज़ होता है. ये केवल कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन यूज़ होता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर इज़ नो स्टैंडर्ड टू बी फॉर्म बाय कमर्शियल डब्ल्यू लैन प्रोडक्ट्स. तो ये भी फॉल्स है, मोस्ट कमर्शियल वायरलेस लैन फॉलो. जनरली वायरलेस लैन क्या है, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स है जिसको हम वाईफाई बोलते हैं. वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी. दे ऑपरेट एट, दे ऑपरेट किस पर ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट एट 2.4 और 5.7
gigahertz in the ISM band. ISM band kya hota hai? Industrial, scientific and medical frequency band, and use either, and what do they use? Use either frequency hopping. Frequency hopping use karte hain. Use either frequency hopping or direct sequence spread spectrum. Direct sequence spread spectrum techniques use karte hain. याद रखिएगा कि वायरलेस लैन बेसिकली IEEE 802.11 होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 GHz, ठीक है? एंड RF पावर रेंज इसमें कितनी होती है? इसकी जो RF पावर रेंज होती है 1 to 100 mW होती है, एंड करस्पॉन्डिंग इसकी जो ऑपरेटिंग रेंजेस होती है ये 1 to 100 m होती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कैरियर आर वेरीड साइमल्टेनियसली. तो ऑब्वियस है, जिसमें एम्पलीट्यूड भी है एंड फेज ऑफ द कैरियर दोनों को वेरी किया जाता है, तो दैट विल बी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कैरियर इज वेरीड विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज ऑफ द सिग्नल. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक विच इज़ यूज इन एडवांस्ड एप्लीकेशंस. ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है, मैं आपको बता देती हूँ. मोस्ट एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है जो कि बहुत ही एडवांस्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होती है. तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? टिल देन आप बताइए. थैंक यू वेरी मच.